every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एंट्री नंबर 182 पर और जा रहे हैं लखनऊ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था कि भाई आपने लखनऊ एक्सप्रेसवे की वीडियो तो बनाया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पहले की है, मतलब जब शुरुआत में बन रहा था तब की है, तो अभी ताज़ी कोई वीडियो बनाइए। तो इसकी वजह से ख़ास तौर से हम लोग आए हैं शाहगंज से यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, और यहाँ से जो भी कार वगैरह जाएगी सबसे लिफ्ट लेना है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी कोई बस हो, जो भी चीज़ मिलेगी उससे हम लोग जाएंगे। तो स्टे ट्यून रहिएगा। सलाम आदाब दोस्तों, वेलकम टू द चैनल, आई होप यू ऑल आर गुड। बहुत दिनों बाद आया हूँ एक्सप्रेसवे पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के। हर चीज़ मुकम्मल बन चुकी है जो अभी तक मैं देख रहा हूँ। गाड़ियाँ भी स्पीड में आके जा रही हैं, कुछ गाड़ियों को मैं हाथ दे रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे ही सन सन करके जूम करके निकल जा रहे हैं। देखते हैं कब हमारी किस्मत चमकेगी, कोई गाड़ी वाला आपको लिफ्ट देगा या तो कोई बस ही आ जाए तो बस से ही सफ़र कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि एक बस आ गई और देखने में भी अच्छी लग रही है, बस खबड़ ही नहीं हो तो मस्त है, सब कुछ अच्छा है। दो लोग हैं जी, आगे बैठे का सिस्टम तो नहीं हो रहा है, चलो यही पीछे बैठे। हाँ हाँ, शाहगंज वाला है ये। हाँ दे दीजिए भाई टिकट, एक नंबर की बस है। हमारी खुशकिस्मती की एक नंबर की बस मिल गई है, एकदम न्यू है, अभी प्लास्टिक वगैरह भी सीट पर से नहीं निकली है, देखिए, और सीट भी अच्छी खासी फ्री है, इंजॉय करेंगे। चलिए आगे जो जो होता है सब बताता हूँ मैं आप लोग को। इस बस का किराया 378 रुपीज़ है पर पर्सन, तो किराए के हिसाब से और फैसिलिटी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन सारी बस इस तरीके से तो होती रही है, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी हम लोग को बस मिल जाएगी जिसका उद्घाटन अभी जल्दी हुआ है, ये अच्छी चीज़ है। और एक्सप्रेसवे पे ही चल रही है और डायरेक्ट ये एक्सप्रेसवे पे है, नॉन स्टॉप है, यानी आजमगढ़ से अगर चलेगी तो डायरेक्ट लखनऊ ही जाके रुकेगी, ये अच्छी चीज़ है। मैंने अभी कंडक्टर साहब से पूछा कि इसकी जो टाइमिंग है वो यही टाइमिंग है, तो बोलने लगे नहीं भैया आज लेट है। मैं सोचा लेट होगी एक घंटा आधा घंटा लेट, बोले नहीं इसका जो टाइमिंग है आजमगढ़ से वो 11 बजे है 11 बजे दोपहर में वो वहाँ से चलती है, आज लेट होने की वजह से लेट चली है, तो यहाँ पे 6 बजे पहुँची है शाहगंज। अब सोच लीजिए, अब बस अच्छी है लेकिन टाइमिंग का वही मसला है। एक घंटे की स्मूथ जर्नी के बाद बस रुकी है एक छोटे से रेस्टोरेंट पे, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह की सारी चीज़ की सुविधा है, जेंट्स का ये टॉयलेट है, इधर है वाटर कूलर है और इधर लेडीज टॉयलेट है। यहाँ पे देखिए हैंडीकैप के लिए व्हीलचेयर एक्सेस भी बनाया हुआ है, सुविधाएं तो अपने हिसाब से इन लोगों ने अच्छी बनाया है, एक्सप्रेसवे भी अच्छा है, और जो बस सेवा जो शुरू किया है बलिया डिपो की बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है। जो चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे बआसानी दस्तयाब है, तो टेंशन की बात नहीं। देखिए यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, मतलब कोई ये चीज़ नहीं कि आपसे अलग रेट लेंगे दूसरे से अलग रेट, यहाँ पे सारी चीज़ मौजूद है। खाने वगैरह अगर आपको लेना है तो वो भी मौजूद है, बेहतरीन सा नाश्ता क्या है यहाँ पे। और ड्राइवर साहब ने बस का हॉर्न बजा दिया, बस भी स्टार्ट हो गई है, अब बस के अंदर भी आ गए हैं, मज़ा आ गया। लेकिन मतलब इतनी दूरी पे इस तरीके का स्टॉप होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, सारी सुविधा के साथ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये तो आमतौर से जब भी ट्रैवल किया है कहीं पे जहाँ पे बस रुकती है वो जगह देखने लायक ही नहीं रहती है, और सबसे बुरी चीज़ क्या रहती है वहाँ का टॉयलेट, लेकिन ये टॉयलेट नीट एंड क्लीन है, कोई बदबू इस तरीके की नहीं है, देख के अच्छा लगा। और यहाँ पे अच्छे से नाश्ता भी किया, ये भी अच्छा लगा। बस के अंदर कोई आवाज़ नहीं, जिस तरीके से आमतौर से यहाँ की बस बाजे की तरह से बजती रहती है उस तरीके से ये बस नहीं है, तो बहुत अच्छी और स्मूथ जर्नी हो रही है, मज़ा आ रहा है जर्नी का। बस अफसोस ये है कि रात हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को नहीं दिखा पाया, मिस वो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जो चीज़ है सो फार सो गुड कि आप लोगों को यहाँ तक की कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि यूपी की सरकारी बस में ट्रैवल करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे में हम लोग लखनऊ आ गए आराम से। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कमाल। और न्यू जो बस अभी अलॉट हुई है 2000 बस जो यूपी सरकार ने अलॉट किया है, उसमें से हमको एक बस मिल गई न्यू, उसकी वजह से मतलब बहुत आराम से सुकून से हम लोग आ गए। हाँ, जो पैसे का जो किराए का मसला है वो ठीक था, अगर शाहगंज से आप लोग प्राइवेट व्हीकल से आएंगे जो आमतौर से लोग आते हैं लखनऊ के लिए, तो वो लोग भी 400-450 के करीब चार्ज करते हैं, तो प्राइस वाइज तो ठीक था। सुकून से आराम से हम लोग आ गए जहाँ हमको आना था,
तीन घंटे के अंदर लखनऊ पहुंचा, ये सबसे अच्छी बात है। और काश एक चीज़ ये फील हुआ कि ऐसे ही यूपी की सारी बसें हो जाए और इस तरीके से अच्छे से आसानी से हमको अपने मंजिल तक पहुंचा दे तो कितना अच्छा हो जाएगा।